मुझे ना शादियाँ बहुत पसंद है. हाथों में चूड़ा, वो शादी का स्पेशल लाल जोड़ा, मिठाइयाँ, लेडी संगीत, घर में रौनक, एवरीथिंग. इस फिल्म में जो इंटरेस्टिंग बात वो है कि आप पंजाबी वेडिंग देख रहे हैं एक एक भूत के जरिए से. कनन की शादी होनी थी उसकी मंगेतर के साथ, लेकिन सब उल्टा हो गया. शादी तो हुई, लेकिन कनन और मेरी भूत की इंसान से. बंदा था मांगलिक, फैमिली ने फोर्स किया कि पेड़ से शादी करनी पड़ेगी, और जी हो गया स्यापा, और करो पेड़ से शादी. तो उसके बाद वो लोग पेड़ काट देते हैं तो उसका घर उजड़ जाता है. तो अब वो उसके पीछे पीछे आ गई है, उसके साथ घूम रही है. वो खुद बोल रही है कि मतलब मुझे वापस छोड़ के आओ, मुझे वापस लेके चलो. कहाँ? पेड़ पे. पेड़ तो नहीं है. मतलब तो फंस गई जी मैं इस प्रॉब्लम में. कनन और अनु के परिवार क्या धूमधाम से उनकी शादी करवाने वाले थे. लड़के का वेलकम करने के लिए भी स्पेशल कपड़े हैं, क्या शानदार सजावट है, काफी पैसा भी लगाया था फैमिलीज ने. एकदम पंजाबी स्टाइल, फुल ऑफ लाइफ. गाना बजाना, खाना पीना, सब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं. हमारे टाइम में थोड़ी होता था ये सब. Everybody is going absolutely berserk. Like everybody is just supremely elated. Bas ta ta ta. That was amazing. That was amazing. और जो भी वहाँ पे हो रहा है, जैसे लोग नाच रहे हैं, उसको सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा है कि मतलब कैसे खुल के ऐसी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, यू नो, अल्कोहल कैसे पी रहे हैं. उसको सब कुछ बहुत लाउड लग रहा है क्योंकि वो डीजे आके वहाँ पे गाने बजाने लग जाता है. उसको लग रहा है कि क्यों चीख रहे हैं लोगों, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे. So it gave me the opposite of what I'm actually feeling when I'm actually getting married, which is completely sullen. I'm so confused. I got this ghost over my, you know, side say. चिपड़ी गई यार, पीछे ही नहीं छोड़ती. जितना डरावा कनन है, उतनी डरी हुई भूत भी है. And my poor, you know, my fiance, she's like super sad. She's like, why the hell is he treating me like this? अगर लड़कियों ने ऐसे कुछ कपड़े पहने हुए जो उसको लगा है, मतलब ये इतने कम कपड़े कैसे पहने हुए इसने, तो it's very innocently cute on Shashi's part to notice these things. So yeah, she's completely out of place in this Punjabi wedding. तो अब तो आप जान ही गए हैं भाई कि पूरा कंफ्यूजन है स्टोरी में. बहुत राज खुलने वाले हैं फिल्म में.